कल एक के बाद एक पूरे 6 भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था और उसकी तीव्रता 6.2 थी। 6.2 मतलब काफी तेज झटके होते हैं और इसीलिए दिल्ली NCR तक भूकंप का असर दिखाई दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। अभी 15-30 सेकंड का भूकंप था और उसके बाद एकदम थोड़ी देर बाद फिर चले गया। मैं मतलब खाना खा के पानी पीने जा रहा था, फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकाली ना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। भूकंप अचानक से, अब हमें तो उसमें से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी, सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले। भूकंप ये शब्द देश के लिए नया नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मंगलवार दोपहर जब धरती ने हिलना शुरू किया तो मानो दहशत के सारे पिछले रिकॉर्ड एक एक करके धराशायी होने लगे। बहुत तेज झटका था और एकदम ऐसे चक्कर सा आया और उस चक्कर से अभी भी ऐसे लग रहा है जिससे दर्द एकदम हो गया और सारे भागते भागते रह गए कि ये क्या हुआ। मतलब बहुत तेज था, तुरंत हमने कहा कि सभी बाहर निकलिए और यहाँ से निकलना सबसे पहले प्राथमिकता हमारी। कोई दफ्तर में अपना काम छोड़कर भागा तो कोई हिलते हुए बिस्तर को देखकर घबराया। अजीब से हरकतें हुई, मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है, मतलब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोपहर करीब 2:06 का वक्त हो रहा था, कोई बाजार में था तो कोई घर के भीतर और इसी वक्त भूकंप के पहले झटके ने दस्तक दी। पहले झटके के वक्त तीव्रता 4.6 थी, इसलिए लोग भूकंप महसूस करते इसके पहले ही वो गुजर गया और फिर ठीक 45 मिनट बाद भूकंप के दूसरे झटके ने दस्तक दी। अभी एकदम ही ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। कुछ सेकंड का रहा झटका और लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, तो सभी लोग घबरा के बाहर आ गए। दोपहर 2:51 का वक्त हो रहा था जब रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। हमको लगा कि भूकंप आ रहा है, पंखे वगैरह हिल रहे थे तो हम सारे लोग बाहर आ गए, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन तब भी हम लोग बाहर निकले तो सब सामान लग रहा था। भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए थे, जैसे ही महसूस हुए टेबल हिल रही थी, थोड़ी थोड़ी पंखे हिल रहे थे। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन देखिए नोएडा से लेकर नैनीताल तक कैसी दहशत का माहौल था। गांधी जी के स्टैचू के नीचे तालाब के किनारे बैठा हुआ था रेलिंग पे, तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा किसी ने पीछे से हिला दिया होगा, कम से कम आधा सेकंड ये रहा, आधा सेकंड, बहुत तेज भूकंप था। पहले इतना ज़्यादा हो गए थे कि हम अपने रूम लिए थे होटल में, तो अचानक से ताले वाले हिलने लगे, हमें लगा कोई हिला रहा है, लेकिन जब देखे तो अचानक से खड़बड़ खड़बड़ होने लगा, तो वही हमको डर लग गया, हम बाहर आ गए। मतलब क्या मैदान और क्या पहाड़, सब कुछ भूकंप के खौफ से कांप रहा था। जो हिमालयन माउंटेन है वो एक नया माउंटेन है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में, हरिद्वार देहरादून समेत सारे उत्तराखंड के क्षेत्र में और हिमाचल के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी दहशत की गवाही देने वाली तस्वीरें शेयर करने लगे। सबसे ज्यादा इस तस्वीर को शेयर किया गया। पहली नजर में शायद आप समझ ना पाए, लेकिन गौर से देखिए कई मंजिला ऊंची इमारत के बिल्कुल बीचों बीच में क्या है, सीढ़ी वाला हिस्सा लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। ये लोग दफ्तर में काम कर रहे थे, जैसे ही भूकंप आया लोग दफ्तर छोड़कर सीढ़ी के रास्ते नीचे की तरफ भागने लगे, क्योंकि जब भूकंप आता है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते।
एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो, तो मैं दो सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है। देश की राजधानी में भूकंप के झटकों का असर बताने वाली अगली तस्वीर देखिए, जब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया अपने दफ्तर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 जिले भूकंप के गवाह बने हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें यूपी के शहर कानपुर से आई हैं, जहां सड़क भीड़ से पटी हुई है। मैं कोटक किसान टावर में ही 8 फ्लोर पे मैं जॉब करता हूं। मैं अपने वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहा था, तभी उसी बीच मैं खड़ा था और मैं पानी का गिलास लिए था, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रही है। लखनऊ से लेकर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और बदायूं तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। गनीमत ये रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर नेपाल के बझाट से आई है, जहां एक इमारत भूकंप के झटके के बाद धराशायी हो गई। लेकिन आज जो भूकंप आया वो सामान्य भूकंप नहीं था। आज के भूकंप का बर्ताव बदला हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि आम तौर पर बड़ा भूकंप पहले दस्तक देता है, उसके बाद छोटे छोटे झटके आते हैं, लेकिन आज के भूकंप में बड़े झटके से पहले एक छोटा झटका भी आया था, और ये छोटा झटका भी मीडियम कैटेगरी का था। देश के वैज्ञानिक चेता रहे हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लगातार, क्योंकि पिछले 200 वर्षों से यहाँ पर कोई भी बड़ा भूकंप नहीं आया है, क्योंकि पिछला भूकंप 1991 में उत्तरकाशी और 99 में चमोली भूकंप के नाम से जो जानते हैं, तो उसके बाद उनका भी 6.8 और 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी इंटेंसिटी थी। 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा, तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं, वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। तो क्या जो हो रहा है वो धरती की तरफ बढ़ते किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत है? अगर 6.2 तीव्रता के भूकंप को बड़ा नहीं कहा जा रहा, तो क्या बहुत बड़ी तबाही दस्तक देने वाली है? जो घटना है वो कोई भी बड़ी होने से बच गई, लेकिन ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं, और दिल्ली से लेकर के उत्तरकाशी तक का जो जोन है ये टॉप जोन में आता है भूकंप के लिहाज से, जो सबसे खतरनाक जोन होता है। इन चेतावनियों और भूकंप के झटकों के बाद सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान तक सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम गूंज रहा है, वो है फ्रैंक हुगरबीट्स। सुनिए कैसे एक भविष्यवाणी के बाद पूरा पाकिस्तान भूकंप की दहशत से कांप रहा है। डच साइंसदान ने पाकिस्तान में 48 घंटे में जलजले की पेशगोई की है। नेदरलैंड्स के सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने चमन की फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर जलजले का रीजन करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज में ताकतवर जलजला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या उससे जायद हो सकती है। इससे कबल डच साइंसदान ने तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में जलजले की पेशगोई भी की थी, जो दुरुस्त साबित हुई। सुना आपने, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एंकर कह रहे हैं कि वहां 6 या फिर उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। आपकी स्टडी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? कोई ऐसी अनहोनी चीज हो गई है कि हमें पता चल गया है कि अभी इतने देर के बाद पाकिस्तान में कोई अर्थक्वेक आने वाला है, खुदा न खास्ता? जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई और कोई ऐसी तरीका नहीं है कि आप जलजले की पेशगी इतला को दे सके। हाँ, ये जरूर है कि
जो जो एरिया फॉल्ट लाइन पर होते हैं तो वो जाहिर है वल्नरेबल या प्रोन एरिया होते हैं, तो उसके बारे में तो है कि वहाँ कभी भी आ सकता है, लेकिन कब किस वक्त और कितनी शिद्दत का जलजला आएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई है, भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक पर सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल फ्रैंक हुगर बीट्स एक डच वैज्ञानिक हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में जल्द ही भूकंप आ सकता है। फ्रैंक की चेतावनी को इसलिए भी गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि साल की शुरुआत में टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की चेतावनी भी उन्होंने ही दी थी। की शुरुआत में आए भूकंप में तुर्की में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाली तकनीक अभी भी विकसित की जा रही है, और ऐसे में डच वैज्ञानिक के भविष्यवाणी करने के बाद जब नेपाल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया तो उसकी दहशत पाकिस्तान तक महसूस होने लगी। भूकंप सबसे घातक प्राकृतिक खतरों में से एक है, और वो इसलिए क्योंकि भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं, जबकि चक्रवात से लेकर बाढ़ तक का कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। मन में सवाल होगा कि आखिर भूकंप आता कैसे है। हमारी धरती मुख्य तौर पर चार परतों से बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है। धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो जमीन हिलने लगती है और इसे भूकंप कहते हैं। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है। ये पाकिस्तान बॉर्डर को सिर्फ छूती है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ यानी चीन की तरफ लगातार बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा, जिससे बड़ी तबाही होगी। साल में लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि लोग उन्हें महसूस नहीं कर पाते। इसके अलावा करीब 100 भूकंप साल भर में ऐसे भी आते हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है और जिनसे गंभीर क्षति हो सकती है। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप को भूले नहीं होंगे आप, जब पूरा शहर ही मलबा बन गया था। भूकंप के लिए अलग अलग जोन है, जिसमें जोन 4 का मतलब है ज्यादा जोखिम वाला इलाका, और दिल्ली NCR जोन 4 में आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भविष्य में आने वाले भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 7 या उससे ज्यादा हो सकती है। हालांकि भूकंप कब आएगा इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंप अगले सेकंड भी आ सकता है और 100 साल बाद भी।